हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बिना मतलब का उनको डर रहता है या फिर अनहैप्पी रहते हैं, वो सैड रहते हैं एनी टाइम बिना किसी रीजन के। तो मैं आपको एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जिसको प्रेस करने से आपको इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बात करते हैं यह पॉइंट आपको मिलेगा कहाँ पे। यह पॉइंट हमारे पैरों के अंदर मिलेगा, दोनों पैरों के अंदर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट का नाम है K5। जो K5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारे पैरों के अंदर मिलेगा, दोनों पैरों के अंदर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इसकी लोकेशन जाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, हमारे पैर जो हमारा पैर है अंदर की तरफ जो अंगूठा है उस तरफ आपको ये पॉइंट मिलेगा, अंदर की तरफ आपको ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरफ पैर को रखना है। ये जो हमारी बोन है, ऊपरी बोन है ये वाली सबसे ऊपर वाली, इस बोन से बिल्कुल आपको सीधा एक लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधा यहाँ पर। ये जो एंकल जॉइंट है इससे आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, ये है K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। ठीक है, इससे आपको एक अंगूठा इस तरह, अंगूठा को इस तरह नीचे रखना है। इसके बाद में जो पॉइंट आएगा वो आएगा K5। ये जो पॉइंट है ये K5 है, इस पॉइंट को आपको प्रेशर देना इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 मिनट तक। आप इस तरह मसाज भी कर सकते हो इस पॉइंट पे, इस तरह। तो एक बार वापस देख लीजिए, ये जो पॉइंट के जो K5 पॉइंट है ये हमारे पैरों के अंदर मिलेगा, ये जो हमारी बोन है सबसे ऊपर वाली बोन, ठीक है, सबसे ऊपर वाली ये जो बोन है सबसे ऊपर जहाँ एंड हो रही है, ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल सीधा एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ये एक पॉइंट मिलेगा, ये K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इससे आपको एक अंगूठा नीचे आपको K5 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा। आपको एक अंगूठा रखना है इस तरह, उसके जस्ट नीचे आपको ये K5 पॉइंट मिलेगा ये। तो इस पॉइंट को आपको इस तरह प्रेशर देना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक प्रेशर देना है कंटिन्यू, और डीप प्रेशर देना है, आपको हल्का सा पेन फील होना चाहिए। और इसको दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना है, आपको कुछ दिन तक इसको रेगुलर करना है जिससे आपको इसका रिजल्ट मिल पाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।